नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीएन 9 और मैं हूं आपके साथ कल्याणी महाजन। आइए रुक करते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। इंदौर में मुहर्रम के त्यौहार को देखते हुए इंदौर शहर के कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी मनीष कपूरिया व एसपी आशुतोष बागरी ने राजवाड़ा क्षेत्र और मुस्लिम इलाकों का दौरा किया और साथ ही आम जनता से अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। एसपी आशुतोष बागरी ने बताया कि मुहर्रम के त्यौहार को देखते हुए सभी थानों को अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि आज मुहर्रम की कत्ल की रात है और कल मुहर्रम का दिन है, जिसको लेकर डीआईजी व एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट किया है। हर थाने को सुरक्षा की दृष्टि से 2 गाड़ियां दी गई हैं, जिसमें हर गाड़ी में 8-8 का पुलिस बल रहेगा जो कि लगातार गश्त करेगा। इसी के साथ कुछ पुलिस बल को रिजर्व रखा गया है, अगर कोई घटना घटित होती है तो उसे निपटा जा सके। वहीं पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से भी असामाजिक तत्वों पर नज़र रखे जा रही है और ऐसे लोगों पर खास तौर पर पुलिस नज़र रखी है जो सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप पर गलत खबरें चलाते हैं और माहौल ख़राब करते हैं, उन पर पुलिस नज़रें रखे हुए हैं। वहीं कलेक्टर और पुलिस द्वारा शांति समिति की बैठक भी आयोजित की जा रही है ताकि शहर की फ़जा खराब ना हो और अमन सुकून बना रहे। लगातार जैसे कि आपको विदित है कि आज कत्ल की रात है और कल जो है मुहर्रम का त्यौहार है और सभी लोग शांति से त्यौहार मनाएं अपना, इसके लिए जो है पूरी पुलिस व्यवस्था लगाई गई है और पूरे जितने भी थाने हैं सभी थानों को अलर्ट पे रखा गया है। हर थाने पे कम से कम 2 गाड़ियां दी गई हैं, जिसमें कि 8-8 का फोर्स जो है राउंड द क्लॉक वो रहेगा इसमें और लगातार रोटेट कर रहा है। थानों पे भी ज़्यादातर फोर्स रिजर्व पे रखा गया है कि कहीं कोई इमरजेंसी होती है तो फोर्स को रवाना किया जा सके। और अभी 1-2 दिन के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि फोर्स जो है थाने पे ही रुके और लगातार जो है आसूचना संकलन के लिए जो अपने आरक्षक लगे हुए हैं सभी को सतर्क किया गया है कि यदि कोई उत्पाती तत्व है तो उस पर जो है नज़र रखी जाए। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा आईबीएन 9 के साथ। आप देखते रहिए आईबीएन 9।